तलबा व तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। अस्सलामु अलैकुम क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हम स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक मैं रिप्रेजेंट करूंगा 2/3, -2 5/8, सो ये हो गया। और एक मैं कर दूंगा √5। सो बाकी जो दो हैं वो आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये कौन सा है? ये जी 1 है। और ये कौन सा है? ये 4 है। और जबकि ये कौन सा है? ये 6 है। ये 3 मैं करूँगा, यानी 50% मैं कर दूंगा और 50% आप खुद करेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग इसे सीखेंगे कि किस तरह हम इन्हें नंबर लाइन पे जो है वो शो करेंगे। ठीक है, 1, 4 और 6 पॉइंट, ये 3 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास जो 1 वाला है उसमें आप क्या करेंगे। सिंपल आपने एक जो है वो स्केल बनाना है। आड़ा तिरछा मेरे हाथों बनेगा क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप लोग स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, इसका सेंटर मैंने ले लिया 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ आगे को। ठीक है, आप देखें मैंने यहाँ पर ले लिया 1, यहाँ पर ले लिया 2 और यहाँ पर ले लिया 3। इसको थोड़ा सा फर्दर मूव करवा दें, ये 4 और सो ऑन चलता जा रहा है, एरो लगा दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे भी आपकी कुछ वैल्यूज होंगी, यानी -1, -2 एंड -3 और सो ऑन आगे चलती जा रही है। सो इस टाइप का कुछ आपने स्केल ले लेना है। ठीक है, अब आप देखें कि आपने तो स्केल ले लिया, अब आप देखें कि 2/3 है, 2/3 आपका जो है वो आ गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, सो 2/3 आपका क्वेश्चन आया। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखें 2/3 को, 2/3 यानी 2 अंदर आएगा 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट। ठीक है, और आगे आ जाएगा 1 7 21 आ जाएगा, तो ये क्रॉस हो गया, 0.7 आ गया। ठीक है, 0.7 और ये चूंकि पॉजिटिव है तो 0.7 कहाँ पे मौजूद होगा, ये 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, क्योंकि 0.10 तक आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 0.9 के बाद 1 आ जाएगा, तो और 0.7 जो है वो इन बिटवीन आएगा 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, सो आपको पता चल गया कि हमने इनके दरमियान जो है वो स्केल पे इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, किस तरीके से अब करना है, अब आप काउंट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, ये नीचे जो वैल्यू गिवन है 3 आपको नीचे गिवन है, आप क्या करेंगे 3 टाइम्स यहाँ पे लगाएंगे मार्कर के, बल्कि मैं मार्कर जो आपके इनके साथ करेंगे, इसको आप 1 कंसिडर करेंगे, ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक है,
आपने तीन बना लिए, एक ये दो और ये तीन, ठीक है। ये यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, तो आप यहाँ से कंसीडर करें 1, 2 एंड 3, ठीक है। 0.7 इधर से यहाँ मूव कर रहे हैं हम लोग, तो आप देखें आप 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो अब देखें कि आपका ये आंसर कहाँ पे जो है लाई कर रहा है। ये आपका लाई करेगा इस पोजीशन के ऊपर कि ये है आपका 2, तो 1 एंड 2, ये 1, 2, ठीक है। सो ये वाली पोजीशन होगी, ये 2/3 होगी, ठीक है। किस तरीके से दोबारा देख लें, आप लोग क्या करेंगे, जो नीचे डेसिमल में आपके जो नीचे सॉरी बटे में जो आपके नीचे वैल्यू होगी, जो लिखी होगी वैल्यू, उसमें आप क्या करेंगे, लाइंस यूज करेंगे। जैसे 1 इसको कंसीडर कर लें, 2 एंड 3। 0.7 आपका आंसर आया, आपको पता चला इस स्केल के अंदर रह के हमने इस जो है लाइंस को ड्रॉ करके इसको शो करना है, क्योंकि हमारा आंसर 0.7 है, ठीक है। आपने इस चीज को पकड़ लिया, अंदर लाइन शो कितनी करनी है, नीचे वाले पॉइंट्स जितनी जितने 3 है नीचे, तो आप 3 करेंगे, जिससे 1, 2 एंड 3, और तीसरी पे जाके आप 2/3 जो है वो इसे शो कर देंगे। किस तरीके से 2 आपने किसके कंसीडर किए, ये 1 है और ये 2, ठीक है, जो आपने बाद में लाइन लगाई, ठीक है, इनके जरिए आपने कंसीडर करके 2/3 इसे लगा दिया। अब आपका जो आंसर है वो ये वाला क्वेश्चन है, और आंसर क्या होगा, 8 2s are 16 और 500 ऐड कर दें, 16 and 5 21, 8 2s are 16 and 5 21 -over 8। अब आप देखें, अब आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं 21 को 8 से डिवाइड करता हूँ, 21 है ये हमारे पास, और 8 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। 16 आएगा, 2s are 16, ठीक है, 8 2s are 16 आ गया, ठीक है, और पॉइंट लगेगा, बल्कि नहीं पॉइंट क्यों आएगा, 8 2s are 16, यहाँ पे 5 रिमेनिंग हमारे पास बच गया, ठीक है। अब पॉइंट लगेगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करें हाउ मेनी टाइम्स, तो हमारा 50 से कम आए, 8 6s are 48 होता है, ठीक है, 6s are 48, और यहाँ 2 बचा, ठीक है। सो यहाँ पे मजीद 0 आया और हमारे पास 2s are 16, 4 बचा, अगेन 0 लिया, 5s are 40 एंड क्रॉस, ठीक है। ये हमारा जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आया 6.25। यानी अगर हम लोग स्केल को ड्रा करें, और ये हमारा आंसर माइनस में आएगा, माइनस क्योंकि ये माइनस है हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये आंसर आएगा माइनस का। हमारा क्या आया, -2.625, ये हमारा जो है सॉल्व करने से क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्केल ड्रॉ करूंगा, स्केल ड्रॉ होगा जिसमें सेंटर हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सो ऑन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और आगे कंटिन्यू -4 -5, ठीक है, वो चलता रहेगा। अब आप देखें कि आपका आंसर क्या आया, -21/8, ठीक है, -21/8 आया आपका आंसर। तो अब आप ये किस तरीके से करेंगे कि आपका ये जो है क्वेश्चन, उसमें आपको पता चले कि आपने कितनी लाइंस यूज करनी है और कहाँ पे यूज करनी है। -2.68 यानी यहाँ पे आएगा इसका आंसर, -2.6 इधर आएगा, तो हम लोग इस वाले जो है एरिया में अपने स्केल को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से, एट लाइन शो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 3 और 4, 7 लाइनें हमने एक्स्ट्रा लगाई, ठीक है, 7 लाइनें हमने एक्स्ट्रा लगा ली अंदर -2 और 3 के अंदर, ठीक है। सो अब मैंने आपको क्या पिछले वाली क्वेश्चन में बताया था कि आप मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से 1 की तरफ, क्योंकि आपका 0.7 आंसर आया।
अब आप मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, -2.6 है तो आप कर रहे हैं -2 से 3 की तरफ। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि जो आप लाइंस लगाएंगे उसमें ऊपर वाली जो आपके पास लिखा होगा उसकी वो सेकंड 2 लिखा हुआ है, तो आपने जो अंदर लाइंस यूज की उसके सेकंड वाली पार्ट पे आप जाके निशान लगा देंगे और उसको पॉइंट शो कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कहा 2/3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इधर भी आप ऐसे करेंगे, आप मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, -2 से 3 की तरफ, ठीक है। -2.625 है तो आगे जा रहे हैं आप -3 की तरफ। तो अब आप देखें कि आपके पास ऊपर यहाँ पे क्या है, 5, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर 5 है ना और नीचे 8 है। आपने क्या किया, इसको जब लाइंस लगानी है तो इसको भी कंसीडर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइंस आपने यूज की, अंदर आपने 7 और 8, ठीक है। सो अब आप देखें कि आपने क्या करना है कि आपके पास जो 5 है यहां से आप काउंट करेंगे जहां पे, और काउंट किने करेंगे जो आपने लाइंस खुद लगाई हैं, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये वाली जो लाइन 5वीं होगी उससे आप -2, 5/8 जो है वो शो कर देंगे कि ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करूंगा वो है अंडर रूट क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको एक मैं सिंपल सी टेक्निक बताने लगा हूँ कि आप लोग किस तरह इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो आपके पास ये एक नंबर लाइन मौजूद है, ठीक है, आपके पास ये एक नंबर लाइन मौजूद है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल पॉइंट है 0, ये आपका है 1 और ये आपका है 2, ये आपका है 3, ठीक है। और यहाँ पे भी -1, -2, -3। ये आप लोग स्केल के जरिए कीजिएगा, जो आपका स्केल होता है ना 6 इंचेस वाला, वो आप लोग यूज कर लें इसके लिए और बराबर रख के हर एक बॉक्स को बनाएं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाए, ये अंडर रूट वाला भी, ठीक है। इसके लिए जस्ट आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ, सिंपल सी टेक्निक कि आपने अपनी जो कैलकुलेटर है उसको ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, या आप लोग अगर खुद कर सकें तो खुद भी कर लें बाय हैंड, ठीक है। अगर बाय हैंड ना कर सकें तो कैलकुलेटर की आपको इजाजत होती है। आप वहां पे लिखेंगे √5, कैलकुलेट में √ पहले डालेंगे, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको मोबाइल पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अंडर रूट दबाएंगे, ये होता है अंडर रूट का साइन, आप अंडर रूट दबाएंगे। अंडर रूट दबाने के बाद आप लिख देंगे 5, तो आपका आंसर देखें क्या आ रहा है, 2.23, ठीक है। 2.4 आप कह लें, 2.24 आपका आंसर आया, ठीक है। यानी 2.2 ही आप कंसीडर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2.25 है आपकी, क्या करना है कि अपनी एक आपकी कंपस होगी, कंपस किसे कहते हैं कि आपके पास जो इस तरीके की होती है, इधर आपकी पिन होती है और यहाँ पे आप पेंसिल लगा के तो उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो आपकी कंपस होगी, आप क्या करेंगे उस कंपस की जो निब होगी, निब, ठीक है। अभी आपका आंसर क्या आया, 2.24 आया, आई थिंक 2.24 आया, ठीक है। यानी आपका आंसर 2.24 किधर वैलिड कर रहा है, किधर लाई कर रहा है, वो आ रहा है 2 और 3 के दरमियान। 2.2 तो इनके दरमियान ही आएगा, यानी आप 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो 2 से 3 की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे कि आप अपनी कंपस को खोलेंगे, इस कंपस को खोलेंगे और स्केल के साथ नापेंगे, ठीक है। यानी आपका अगर ये स्केल है, मैं आपको वीडियो के जरिए समझाऊंगा तो वो नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपके पास ये सपोज करें 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास ये 3-4 पॉइंट्स लगे होंगे, ठीक है, और आगे आगे आपके आ रहा होगा 3, ठीक है। तो आप अपनी कंपास का क्या करेंगे, एक पॉइंट जो है जो नीड होगी वो यहाँ रखेंगे और जो पेंसिल होगी उसकी नोक को ये आगे 2 से आगे काउंट कर लेंगे, तो डंडे जो हैं इसके वो काउंट करेंगे 1 एंड 2, ठीक
ठीक है, 2 पॉइंट्स तक इसे काउंट करेंगे और इतनी अपनी कंपस को खोल लेंगे, ठीक है, बराबर रख के इतना खोल लेंगे आप। फिर इतना खोलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अपनी कंपस की एक निब रखेंगे, अपनी कंपस की ये वाली जो पॉइंट होती है जहाँ पेंसिल नहीं होती, सिर्फ एक नोकदार कील टाइप होती है, ठीक है, वो आप यहाँ रखेंगे। और यहाँ रखने के बाद आप उससे एक आर्क खींचेंगे इस नुमा की, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो आर्क आएगी आपके पास, ठीक है। उस आर्क से आपको क्या मिलेगा, आपको आपका अंडर रूट 5 की पोजीशन मिल जाएगी स्केल के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आर्क जहाँ भी आपकी इस पोजीशन को कट करेगी वो होगी अंडर रूट 5, ठीक है। इस तरीके से आप अंडर रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें आपको क्या मिलेगा कि आप यहाँ से इस तरीके से एक ट्राइंगल भी बना लेंगे, ठीक है। सो ये जो रेडियस होगा, ठीक है, आपका, ठीक है, आपने आर्क खींच लिया उससे, तो आपके जहाँ पे आर्क आपकी नंबर लाइन को कट करेगी वो आपका आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बात जहन में रख लें कि आपने जो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो खुद सॉल्व आउट करने हैं, क्योंकि वो इनसे मिलते जुलते हैं और मैंने इनमें से जो मिलते जुलते थे वो करवा दिए, बाकी जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व आउट करेंगे, जो कि है गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। गिव रैशनल नंबर नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, 3/4 एंड 5/9, ठीक है, इनके दरमियान आपने रैशनल नंबर जो है वो बताना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो मेथड इस्तेमाल करूंगा वो ये है कि the required rational number number is the mean of the two given numbers। जो हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना इनके दरमियान वाला, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का मीन ले लेंगे। मीन किसे कहते हैं, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट आर गिवन। जैसे कि 2 वैल्यूज गिवन है तो हम लोग 2 ही कंसीडर करेंगे, नहीं तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा एंड देन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपको जब करूंगा तो तब आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज क्या है, 3/4 प्लस 5/9 सम कर दिया है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय दियर नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, एक ये और एक ये, 1 + 1 = 2 लिख दिया मैंने। अब इसके आसानी के लिए अपनी सॉल्यूशन के, तो 1/2 को मैं साइड पे रख लेता हूँ और 3/4 प्लस 5/9 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इनका एलसीएम आ जाता है तो एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, 36, 4 9 36 होता है तो 36 एलसीएम आएगा, 4 9 36 9 3 27 जमा आगे 9 4 36 4 5 20, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए 1/2 और यहां भी आ जाएगा, 27 और 20 कितने हो गए, 47, 27 प्लस 20 47 ओवर, और नीचे हमारे पास 36। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इनसे मल्टीप्लाई करने का, 1 को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 47 से किया तो 47 ही आएगा, और अगर 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा,
सो दैट इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9. तो लिख दो दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी सॉल्व हो चुका है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे लिख लें आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, लिख लें इसके आगे इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको सेंटर में, ठीक है, आपके पेपर के अंदर. ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपकी स्टेटमेंट को पढ़िए जरा आप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट जो कह रही है वो ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को ही रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, जो कि चलते जाते हैं. पॉइंट के बाद आपका आंसर जो है वो नहीं आ रहा होता, अगेन आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में इसका बताया. ठीक है, अब जो है अब हमने बताना है कि इन रिकरिंग डेसिमल को हमने रैशनल फॉर्म में लेके आना है, रैशनल नंबर्स में लेके आना है. रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? पी ओवर क्यू की फॉर्म में, वेयर पी और क्यू जो है वो बिलोंग करते होंगे किससे? इंटीजर से, एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, ये रैशनल इनकी जो शर्त है वो यहाँ पे ये है. ठीक है, तो आपके सामने मैं इनके दो पार्ट्स करूँगा और एक पार्ट आप खुद कीजिएगा. ठीक है, आपका होमवर्क होगा. पॉइंट नंबर 1 जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ 0.5 और उसके ऊपर बार है. ठीक है, बार बार का मतलब आप लोग समझें कि ये कंटिन्यू है. ठीक है, यानी हम लोग का सोल्यूशन का मेथड क्या होगा? सॉल्यूशन मेथड आपका ये होगा कि आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इस वैल्यू को एक्स के बराबर, एक्स इक्वल 0.5 और ऊपर बार, आप इसके इक्वल एक्स को लेट कर देंगे. तो एक्स क्या आ जाएगा, 0.5, और ये 5 5 5 5 5 जितनी दफा मर्जी लिख देंगे, कंटिन्यू चली जा रही है आपके, जितनी दफा मर्जी लिखते हैं. ठीक है, ये बार का मतलब ये होता है. ठीक है, आपने सबसे पहले इस डिजिट को, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था, इसको एक्स के बराबर लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, फिर आपने इसको ओपन करके लिख दिया, बार को खत्म कर दिया और डिजिट्स को लिख दिया. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मल्टीप्लाई करना बोथ साइड्स पे किस डिजिट के साथ, ये ही तो असल बात है, किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है. 0.5 आपको गिवन था क्वेश्चन में, तो अब आप देखें 0.5 में पॉइंट को खत्म करें तो 1 आ गया, और आगे आपका एक डिजिट जो है वो आपको गिवन है 5, तो आपका आ जाएगा 0. यानी आपके पास 10 जो है वो नीचे आ रहा है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10 कर देंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू एक्स, सॉरी ये आप लिखते हैं एक्स. ठीक है, तो 10 इंटू एक्स आप, बल्कि मल्टीप्लाई है तो यार चलेंगे, मैं ना डिफरेंट मार्कर यूज कर लेता हूँ, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. 10 इंटू और यहाँ पे एक्स. ठीक है, यानी अब आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ये दो बार एक्स क्यों लिखा है, ये मल्टीप्लाई है. ठीक है, ये मल्टीप्लाई की मैंने सिंबल यूज किया है. ठीक है, अब आगे भी मैं इसी को फॉलो कर दूंगा, 0.5555 एंड सो ऑन, कंटिन्यू है, बिल्कुल कंटिन्यू. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 10 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 10 के साथ. अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल में. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 10x, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.5555. ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है. ठीक है, मल्टीप्लाई करने से बोथ साइड्स को. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 और 2 को. इक्वेशन इसको आप 1 कह दें, जो आपने ओपन की इसे आप इक्वेशन 1 कह दें,
और इसे आप इक्वेशन टू कह दें जो आपने इसको मल्टीप्लाई करने से बोथ साइड्स पे हासिल की, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करना है आपने वन को टू के साथ, ठीक है, वन फ्रॉम टू, टू से वन को जो आपने निकाल देना है, 10x माइनस ये 1x है यानी x, और 5.5555 माइनस 0.5555, ठीक है। तो आप देखें कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 ने सिर्फ 1x किया तो आपके पास आ जाएगा 9x, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 5, क्योंकि ये ऊपर वाले 5 5 सारे निकल गए, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9/5, ठीक है। 9/5 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, जो कि आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 9/5, और जो कि आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, तो आप क्या कह देंगे कि 0.5 जो है वो इक्वल है 9/5 के इन रैशनल फॉर्म, ठीक है। सो ये था आपका एक क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपके साथ दूसरा जो है वो क्वेश्चन जो वो शेयर करता हूँ, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन जो इसका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 0.67 पार्ट वाला, ठीक है, यानी 3 पार्ट, 0.67 बार है ऊपर, ठीक है। सो अब देखें कि अब मैं 0.67 को किस तरीका से सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो वही वाला तरीका, पुराने वाला, आप लेट कर लेंगे सबसे पहले x के इक्वली से 0.67 बार, अब इसको ओपन करके आप लिख देंगे 0.67 67 67 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। ये आप इसे कहते हैं वन इक्वेशन, सेम लाइक दैट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 100। अब आप सोचेंगे पिछले में 10 किया था, यहाँ पे 100 किया था, वो इसलिए क्योंकि वो था 0.5, उसमें आता था 10 नीचे पॉइंट की जगह 1 और आगे 0, एक है डिजिट, सो इसलिए 0। ये है 0.67, तो पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और आगे 6 की जगह 0 और 7 की जगह 0, 100 आता है, ठीक है, इसलिए मैंने किया। 0.13 में भी 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू एक्स इक्वल, फिर आगे आपका आ जाएगा 0.67 67 67, बल्कि पहले 100 ही लिख लें, 100 इंटू 0.67 67 67 एंड डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपके पास 100x आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 67.67 67 67 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ये आंसर आ गया तो अब आपने 100 से भी मल्टीप्लाई कर लिया और आपके पास एक ये भी इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन टू कह दें आप, ठीक है। अब आपका वही काम, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये बड़ी वैल्यूज है ना, इसमें से आपने छोटी को माइनस कर देना है, तो इसलिए वन को माइनस कर देना है टू से, क्योंकि इनके नाम हमने लिखे हुए हैं, बड़ी वैल्यू टू है छोटी वैल्यू वन है इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देनी है वन फ्रॉम टू से, ठीक है। इन तीन क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कि आ जाएगा आपका 100x माइनस x, और यहाँ भी आ जाएगा आपका 67.67 67 67
-0.6767 and 67 सो ऑन, और यहाँ पे भी सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है दोनों तरफ। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 99x इक्वल्स किसके आ जाएगा 67 के, 99x आपका इक्वल किसके आ जाएगा 67 के, तो यानी x आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिमेनिंग, x आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये 67 इधर ही रहेगा ओवर, ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड 99, यानी x आपका क्या आ जाएगा 67 ओवर 99। तो यानी आप क्या करेंगे, हिंस 0.67 बार जो है वो इक्वल है आपकी 67 ओवर 99 के। सो यही था आज के हमारे लेक्चर्स, और इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लिया आज। तो अगेन मिलते हैं हम अन्य एक्सरसाइज के साथ विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये क्वेश्चंस की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आप इनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी कोई मुश्किल नहीं है, जो आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैंने छोड़े वो भी आप इन्हीं मेथड्स के जरिए करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब